गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कल मैंने आपको इसका जो अंश पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फादर कामिल बोल के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे, कभी मन से, क्योंकि वे एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे तो ना उनके स्वभाव भी नहीं था, तो इससे पता चलता था कि या तो इरादों से सन्यासी बने, मन से नहीं बने। अब उसके आगे से देखिए, वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेलकर और खोजकर, खोजना पड़े चाहे उन्हें, जरूर मिलने आते थे, चाहे दो मिनट के लिए सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी, जिसके लिए वे हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे कि हिंदुस्तान में हिंदी को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता, इस बात के प्रति बड़े दुखी रहते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा था, मैंने कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था, लेकिन उन्हें गुस्सा आता था कि हिंदुस्तानी अपनी ही हिंदी भाषा को सम्मान क्यों नहीं देते हैं, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था इस बात पर, और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देखकर उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को नहीं पूछा जाता। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता, हिंदी आती है उसे तो उसे सोचते हैं अरे तो बेकार है भाई। तो इस तरह का हमारा मतलब हिंदुस्तान में ही ऐसी प्रवृत्ति है लोगों की कि हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जाता, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि इसको सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, सबकी ज़िंदगी में झांकते थे और पूछते थे उनके दुख तकलीफ। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी, जब बहुत बड़े से बड़ा दुख हो जाए और अगर उन्होंने दिलासा दे दी, सांत्वना दे दी, तो पता नहीं कैसी शांति महसूस होती थी। तो लेखक को अपने पुत्र की और अपनी पत्नी की मृत्यु पर, जब लेखक के का पुत्र मरा और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तो फादर के शब्दों में झड़ती हुई ध्वनि उन्हें शांति प्रदान कर देती है। जब फादर उनको समझाते हैं तो लेखक को काफ़ी शांति महसूस हुई उनके समझाने से। तो लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का बहुत दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में है और बीमार है। अगर उन्हें पता होता तो वे अवश्य मिलने ना जाते उनसे, जिन्हें वो इतना प्यार करते हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था, क्योंकि वे ईसाई थे तो ईसाई धर्म के अनुसार उनको दफनाना था। 18 अगस्त 1982 की सुबह दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, उनके मित्र रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, मतलब अपने परिवार के लोगों में से राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक और साइंस के टीचर थे डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो उनके अभिन्न मित्र थे, संकरी सड़क पर पहले से ही खामोश खड़े थे। तो मसीही विधि से, मसीही विधि माने ईसाई धर्म के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के फादर, सेंट जेवियर्स माने जहाँ पर फादर हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे थे, उनके वहाँ के फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। अभी ताबूत को दफनाया नहीं गया था, अभी ऊपर ही हो रही है, श्रद्धांजलि ऊपर ही दी जा रही है। तो उन्होंने बोला कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हूँ, ये बोला उन्होंने। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में
उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया कि उनका जो जीवन है वह नकल करने योग्य है। अनुकरणीय माने नकल करने योग्य। और फिर देह कब्र में उतार दी गई। देह किसमें थी? देह माने शरीर किसमें था? ताबूत में। तो फिर उनका ताबूत कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि वे अपने को सन्यासी कहते थे, तो पता नहीं उनको ऐसा महसूस पता भी होगा कि नहीं कि कोई रोएगा उनके लिए। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सब में से जो सबसे अधिक, सबसे अपनत्व रखने वाला, सबसे प्रेम करने वाला, सबको समझने वाला और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, मतलब उनके अंदर मानवीय सारे गुण विद्यमान थे, वही हमारे बीच में से चला गया। तो लेखक जो है उन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा फादर कामिल पुरखे को, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। फादर मानवीय गुणों से लबालब थे, मतलब उनमें मनुष्यता के सभी गुण मौजूद थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। उनमें अपनत्व था, अपनत्व माने अपनापन, ममत्व था, ममता थी, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी, दयालुता भी थी। वे इतने दयालु थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे। अगर एक बार किसी से मिल लिए तो उसे छोड़ते नहीं थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक, गर्मी की तपन, सर्दी की सिकुड़न उन्हें प्रियजन से मिलने से रोक नहीं पाती थी। मतलब चाहे आंधी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उन्हें अपने प्रियजन से मिलने से कोई नहीं रोक पाता था, कितनी भी अड़चने आए चाहे। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना देते थे, ऐसी दिलासा देते थे कि वे सब अपने दुख को भूल जाते थे। और यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है।